पर उसके मरात
मकासिद मारिफत में भी इजाफा होता रहता है और इस तरह से जब ऐसे किसी इंसान की हयात जाहिरी खत्म होती है तो उसकी हयात अकलानी शुरू होती है, हयात मानवी शुरू होती है, हयात इरफानी शुरू होती है। और किसी को मोहब्बत की मौत और मोहब्बत की जिंदगी कहते हैं। बहरहाल वो मजलिसों में मुसलसल शिरकत करते थे, आज न रहे। हमने मुसलसल मजलिसें पढ़ी, कभी हम भी नहीं रहेंगे। ये दुनिया है और एक गुजरगाह है। उमर खय्याम ने एक अजीब रुबाई कही थी। उमर खय्याम ने कहा था कि उन कासर के बाचार हमीजत पहलू, वो महल के जिसके ऐवानों की बुलंदी आसमानों तक जा रही थी, वो दारा फैसर के मकानात, उन कसर के बाचर हमी जत पहलू शाहों ने जहां बरू नहादंदे रू, वो शहनशाही का मकान था तो दुनिया के बादशाह अपनी पेशानियों को उसकी चौखट पे घिसते थे। कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा दीदम के सरे कंगुरई पाखतई आवाज हमी दाओत के कू 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 कू। मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि उसके टूटे हुए कंगुरे से फाख्ता पुकार रही थी, अब कहां है, अब कहां है, अब कहां है। आपने देखा कि इस दुनिया में जहां एक हकीकत जावेदानी है मौत, वहां उस मौत पर गुफ्तगू ही ला हासिल है, बजुज इसके कि हम जमा हों और मरने वाले की जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को याद करके अपनी जिंदगी को उसी राह पर ढाल दें ताकि अगर वो हयात अकली जो उसको मयस्सर हो रही है, वही हयात अकली का कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाए तो हम उसको अपनी कामयाबी समझे। उमर कयाम की रुबाई तो आपने सुनी, मगर सूरह दुखान में जो 44वां सूरह है कुरान का, ज़ात वाजिब ने फरमाया देखा इन लोगों को कम तरकू मिन जन्नात व उयून व ज़रूइन व मकाम करीम व नामत कानू फीहा फाकहीन कदालिक व औरसना कौमन आखरीन। कैसे कैसे बाग छोड़ के मर गए, कैसी कैसी ज़िरातें छोड़ के मर गए, कैसे कैसे महल छोड़ के मर गए, कैसे कैसे चश्मे बनाकर और उससे जमीनों को सैराब करके मर गए, कैसी कैसी नेमतें जमाती। हुआ क्या, एक कौम गई और दूसरी कौम वारिस बन गई। और इसी तरह से एक का एक वारिस बनता चला जाता है।
तो जमीनात को छोड़ने के बाद जाहिर है कि जमीन के वरसा कभी इनफरादी तौर पर मरने वाले के अज़ा होते हैं, कभी इज्तमाई तौर पर कोई कौम तबाह हो जाती है तो दूसरी कौम आ जाती है, लेकिन अगर कोई विरासत में हयात अखली छोड़े, कोई विरासत में मोहब्बत और मारिफत को छोड़ दे, तो फिर उसके बच्चों के लिए, उसके अजीजों के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसके दोस्तों के लिए, उसके साथियों के लिए इससे बेहतर और क्या तरक्का है कि जहां इंसान ये सोचे कि भाई इस राह पर वो चल कर गए, इस राह पर हम भी चलेंगे। हकीकत यह है, हकीकत यह है कि एक बात जिसको बार बार कहना चाहिए और जिसको मैं समझता हूं कि हर खतीब को और हर बोलने वाले को जिस बात को समझाना चाहिए, वो एक तजर्बे की बात है। वो ये कि आदमी पढ़ता है, लिखता है, डिग्रियां हासिल करता है, सनदें हासिल करता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी वकील बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, कभी दुनिया के बड़े ओहदे पर जाता है, मगर नजा के आलम में न इंजीनियरी बाकी रहती है, न डॉक्टरी बाकी रहती है, न तिबाबत बाकी रहती है, न वो ओहदे बाकी रहते हैं, न पढ़ा लिखा याद आता है। इतनी मेहनतों से जो कुछ हासिल किया वो कुछ नहीं रहता, एक नजा का आलम रहता है और फकत एक जज्बे को साथ लेके जाता है कि किससे कितनी मोहब्बत है, किससे कितनी नफरत। बस एक ही जज्बा साथ जाता है, किससे कितनी मोहब्बत, किससे कितनी नफरत। इसके सिवा ये सारे उलूम खत्म हो जाते हैं नजर सकरात के आलम में, फिर कुछ नहीं है। अब वो एक आन वाहिद के लिए इस काबिल नहीं है कि वो बयान कर सके कि वो उसने क्या किया। और यही वजह है कि हयात अकलानी जब शुरू होती है तो हमारे पास फिका का एक मसला है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारी अहम तरीन किताब है फिका की, मन ला हजूर शेख सदूक मोहम्मद इब्ने बाबह कुम्मी की अहम तरीन किताब, जिसकी शरहा अल्लामा मजसी अव्वल ने की है दो जिल्दों में, इस में अहकाम मैयत है। अहकाम मैयत में यह बतलाया गया कि जब मर जाए आज तो कब्र में उतारने वाला वो हो जो उस मजमे में सबसे ज्यादा अकलमंद हो। यह लफ्ज हो, अकल इज्तेमा हो, यानी उस मजमे में जो सबसे ज्यादा अकलमंद आदमी है वो आगे बढ़े, वो उतारे। यानी अब हयात अकलानी शुरू हो रही है, अकल की जिंदगी शुरू हो रही है। मासूम फरमा रहे अकल उतारे, और फिर मासूम फरमाते कोई अकलमंद आदमी उसका शाना हिलाए, शाना हिलाए। और ये अबू बसीर की रिवायत है, हमारे पास नस मासूम है, सिवा हमारे कोई और तलकीन नहीं पढ़ाता। मतलब सिवा हमारे तलकीन कहीं और नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हयात अकलानी जिसको हम मोहब्बत से शुरू कर रहे हैं उसको याद दिलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए नहीं कि जिसने कभी मोहब्बत पर गामजन होने की कोशिश ही न की हो उसको याद क्या दिलाया जाए कि अब किससे मोहब्बत है कि नहीं।
यही वजह है कि काफे आकल आदमी शाना हिलाए। मन लाए हजूर के तो अल्फाज मुख्तसर है, सिर्फ इतना कहे कि घबराना नहीं, डरना नहीं, पूछने वाले पूछे तो कहना कि तेरा रब अल्लाह, तेरा नबी मोहम्मद है, तेरी किताब कुरान और फिर उसके साथ मुसलसल उनका तस्किरा जिनकी राह में जिंदगी बसर हो गई। ये भी एक अजीब बात, सिर्फ इमाम शाफई ने इस बात को तस्लीम किया है। तलकीन के सिलसिले में इमाम शाफई ने कहा है कि मुर्दे को याद दिलाना चाहिए, मगर इसके अलावा और फुकहा ने इसको जरूरी नहीं जाना। और जाहिर है उन्होंने इसलिए जरूरी नहीं जाना कि वो तो मर गया, सुनता कहां है, वो तो ये समझ के चुप हो गए कि वो तो मर गया, सुनता कहां है। मगर जो सुन रहा हो, जिसको जिंदगी मिली हो और जिसके लिए मासूम ने कहा हो ममात आला हुब आल मोहम्मदिन मात शहीदा, जो मर जाए आल मोहम्मद की मोहब्बत में वो शहीद मरता है और शहीद के लिए जिंदगी है। अब आपने अंदाजा किया उस जिंदगी के साथ वो जा रहा है, इसलिए किसी जिंदगी ही को हरकत दी जा रही है कि अगर आए तो घबराना नहीं। क्यों? इसलिए कि उसी जज्बे को लेके जा रहे हो, कोई ये पूछने के लिए नहीं आ रहा है कि कहां तक पढ़े थे, क्या तालीम थी, कितनी सनदें हासिल की थी, क्या क्या मदारिज दुनिया में हासिल थे, कितने ओहदे तय किए थे, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो पूछने वाले जब आएंगे तो वो उन्हीं उमूर के मुताल्लिक पूछेंगे कि जहां राबिताए कल्ब है, राबिताए अक्ल है, राबिताए नजर है, राबिताए ईमान है। इसलिए आपने ये तय किया कि मरने वाले को हरकत दी जाए और याद दिलाया जाए कि डरना नहीं, महजून नहीं होना, पूछने वाले आए तो तुम यह बयान करना। इसी के लिए एक लफ्ज है जो वजह किया गया है, उसको तलकीन कहते हैं। आप याद रखेंगे फिका का मसला ये कि तलकीन सिवा आपके कहीं और नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह समझ में आ गई आपको? क्यों नहीं है समझ में आ गई वजह? मासूम से पूछा गया इससे पहले के फरजंदे रसूल कुछ इख्तलाफात थे मसाइल में, कहा इख्तलाफात तो है मसाइल, कहा कि जैसे हमारे पास नमाज जनाजा के लिए 5 तकबीर और दूसरे फुकहा ने 4 तकबीरों को पसंद। मासूम से पूछा गया फरजंदे रसूल ये फर्क क्यों है? कह याद फरमाया, 1 तकबीर है कायल सलात, नमाज का पाबंद, इसलिए तकबीर है। 1 तकबीर है पाबंद ज़कात, इसलिए तकबीर। 1 तकबीर है पाबंद सौम, इसलिए तकबीर। 1 तकबीर है मोमिन बहज की, वो तकबीर। 4 तकबीरें जहां तक आई वहां, मगर 5वें जो वाजिब किया है विलायत को, जहां विलायत नहीं है वहां 5वीं तकबीर नहीं। इसीलिए मासूम ने कहा बुने अल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है,
الصلاه والصوم والزكاه والحج والولايه. ہر ایک کے لیے ایک تکبیر ہے, ہر ایک کے لیے ایک تکبیر ہے. گواہی دے رہا ہے تکبیر دینے والا اور تکبیر کو بلند کرنے والا کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں وہ ان سب پہ ایمان رکھتا تھا اور یہ ساری چیزوں پر ولایت کا کنٹرول تھا, ولایت کا قبضہ تھا, تاکہ ولایت بتلائے کہ نماز کیسی پڑھی جائے, تاکہ ولایت بتلائے روزہ کیسے رکھا جائے, تاکہ ولایت بتلائے زکات کا نصاب کیا ہو, تاکہ ولایت بتلائے حج کے احکام کیا ہو. ولایت درمیان سے ہٹ جائے تو احکام سمجھ میں نہیں آ سکتے, اس لیے پانچویں تکبیر بھی آپ کے پاس لازمی ہے. تو آپ نے دیکھا جہاں ولایت ہو وہاں محبت لازم ہے, اس لیے کہ ولایت کے معنی لغت میں ہے قربت, نزدیکی. ولایت کے معنی ہے نزدیکی. جہاں ولایت ہے وہاں محبت, جہاں ولایت ہے وہاں محبت, جہاں ولایت نہیں ہے وہاں نہ پانچویں تکبیر ہے نہ تلقین ہے. اور ایسے موقع پر ولایت کی طرف آگے بڑھنا, سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے, اور اس سورے کی آخری آیت ہے جو میرے لیے آج کی اس مجلس کی اس کے لیے عنوان ہے. والذین جاہدوا فینا, جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مسلسل آگے بڑھتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ان کو راستے ہم بتلاتے ہیں. وان اللہ لمع المحسنین, اور اللہ ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ, اللہ ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. تو جو جہاد کی منزل پر آئے, جد و جہد کی منزل پر آئے, مسلسل کوشش کرے, مسلسل کوشش کرے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوشش ہمیشہ یا جد و جہد وہی ہے جہاں مزاحمت ہے, جہاں آبسٹیکلز ہیں, جہاں رکاوٹیں ہیں وہاں ٹکراؤ ہے. جد و جہد ہے, آگے بڑھنا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نماز میں, روزے میں, زکات میں, حج میں ٹکراؤ نہیں ہے, منزل ولایت پہ ٹکراؤ. اور اسی لیے جد و جہد ہے محبت میں, کہ کوئی محبت سے روک رہا ہے, کوئی محبت سے روک رہا ہے, کوئی محبت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. حکم ہوا جو ہماری راہ میں آگے بڑھ جائے اس کو ہم راستے بتلاتے ہیں, ہم راستے بتلاتے ہیں. تو ہم ظاہر دنیا کو یہ تلقین نہیں کرنا چاہتے کہ تلقین پڑھو, ہم یہ نہیں چاہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تلقین وہ پڑھے جو ایسے افراد لائے, جو ایسے افراد لائے کہ دیکھو یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں. جہاں افراد ہی نہ ملے وہاں تلقین کیا ہے, وہاں کس کو یاد دلائیں گے؟ اس لیے میرے مولا وافا کا یہ ارشاد سارے علماء نے لکھا کہ یا ہار حمدان من یمت یرنی, اے ہار حمدان جو کہیں مر جائے وہ مجھے دیکھے گا, وہ مجھے دیکھے گا. اب محبت کے عالم میں دیکھے یا دعوت کے ساتھ. یا رحمدان من یمت یرنی مؤمنا او کافرا قبلا, مگر لازم ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو یا صاحب کفر ہو, دنیا سے گزرتے وقت سکرات کے عالم میں وہ دیکھ لے گا, مجھے دیکھ, مجھے دیکھ. تو اب ظاہر ہے کہ اگر اجنبی دیکھے تو پہچانے کیا,
अजनबी देखे तो पहचाने का, और अगर दोस्त देखे तो ताजीम करे। सलाम को खड़े हो, आवाज अस्सलाम अलैका या मौलाया या अमीर अल मोमिनीन, और उसके बाद दिल को तसल्ली हुई, ढारस हुई, और वो ये कहकर चले हमारा है। ये एक अजीब इफ्तिखार है इस घराने को, ये एक इफ्तिखार है इस घराने को। अब ये बहस नहीं है कि इसमें हकीकत क्या है, मजाज क्या है, सदाकत क्या है, कहां तक मुबालगा है, मुझे इससे कोई बहस नहीं, मुझे इससे कोई बहस नहीं। मैंने हजार मरतबा कहा है कि मुबालगा सही, मजाज सही, सदाकत न सही, मगर कोई भी आलम इस्लाम में ऐसे आदमी का नाम ले लो जिसने तुमसे यह वादा किया हो कि घबराना नहीं, महशर में हम हैं। रूट सही, मजाज सही, सदाकत से हटकर सही है। किसी में हिम्मत नहीं, विश्वास के नहीं कि हर एक जान रहा है कि खुद उसके नजा का आलम क्या होगा। भाई जहां नजा के आलम में जो ये कहे, अगर मुझसे ये गलती न होती तो अच्छा था। जो सकरात के आलम में ये कहे, मुझसे तो इतनी गलतियां हो गई। जो मौत के आलम में ये कहे कि मुझसे तो यह हक अदा ना हो सका, वो अपनी नजात की फिक्र में रहेगा या दूसरों की नजात का जिम्मेदार बनेगा? दूसरों की नजात का जिम्मेदार तो वो होता है जो नजा के आलम में ये कहे कि मेरे महबूब, कयामत के दिन जब अंबिया की सफें खड़ी हों और मलाइके मुकर्रबीन तेरे सामने हों, तो तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोई कोता ही नहीं की। तो आपने देखा, यह वो मंजिल है कि जहां से सबको गुजरना और रहे मोहब्बत से गुजरना। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जिन्होंने हमारी राह में जद्दोजहद की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको रास्ते बतलाएंगे, हम हिदायत करेंगे रास्तों की। वो घबराए नहीं, वो घबराए नहीं, हमारी निगाह में बरस दो बरस, साल दो साल, सौ बरस दो सौ बरस, ये कोई हकीकत नहीं रखते। मुमकिन है कि सदियों तक पाबंदी रही हो मोहब्बत की राह में, मुमकिन है कि सल्तनतें गुजर गई हों ये कहते हुए कि खबरदार इनका नाम न लेना, मगर जब राह हम बतलाते हैं तो हमारे पास हजारों बरस आने वाहिद के बराबर हैं। सल्तनतें उलट जाती हैं, जबाबेरा का दौर खत्म हो जाता है, मुस्तबित शाहियां हमेशा के लिए तबाह हो जाता है, मगर रह जाता है वही, रह जाता है वही जिसको खुदा बाकी रखे, रह जाता है वही जिसकी मौलाइयत का रसूल ऐलान करके जाए। मैंने इस लफ्ज को जानबूझ कर यहां सर्व किया कि जिसकी मौलाइयत का रसूल ने ऐलान किया, ये मौला, मौला हकीकत में मौला के माना क्या है? कुरान ने इसके माना दे दिए, नेमल मौला वो नेमल नसीर, अच्छा मौला अच्छा मददगार। जहां मौलाइयत मुस्तकिल है वहां नुसरत है, वहां मददगारी है, मौला मदद करता है। वल काफिरीन ला मौला लहु, और काफिरों को मौला नहीं होता, ये भी कुरान है। तो नेमल मौला वो नेमल नसीर, मौला है ही इसीलिए जो मदद कर। अब ये बहस छे हो गए ना कि एक आदमी क
कहां कहां जाएगा, किस किस की मदद करेगा। तो ये बातें ये हयात अकली की बातें नहीं है, ये हयात अकली की बातें नहीं है, मारिफत की बातें नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं जैसे इंसान अपने आप को मकान और जमान का कैदी जानकर दूसरे को भी मकान और जमान के हुदूद में देखे, हुदूद में देखे। वरना जिसको वक्त से बुलंद रखा गया, जिसको जमाने से बुलंद रखा गया, उसके लिए जमान मकान की कैद कुछ नहीं है। कहीं मर जाए वो मुझे देखेगा, कहीं मर जाए मलकुल मौत रूह कब्ज करेगा। अगर एक फरिश्ते में यह कुव्वत है, हर एक की रूह को कब्ज कर सके, तो जाहिर है जिसके सदक़े में यह कायनात बनी उसका हमगीर होना, मजहरुल अजायब होना हमारे लिए तो यकीनन काबिल कबूल है। बहर सूरत मनवाने की बातें नहीं है कि माने दुनिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत की वारफ्तगी ही समझी, ये मोहब्बत की दीवानगी ही समझी है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मर के उनको देखेंगे, यही समझिए। मगर खुदा की कसम इस किस्म के समझने वालों को कितनी तसल्ली है मौत में, कितनी तसल्ली है मौत में कि जिंदगी भर जिनका नाम लिया था उनको देखेंगे। इसीलिए मैंने बार बार और अक्सर बार यह शेर पढ़ा है कि एक अजीब आवाज बुलंद होती है नजा की हिचकी में, पोशीदा अभी तक राज है, आने वाले जल्द आ, ये आखिरी आवाज। जब वो आवाज देता है वो आ जाते, वो आ जाते, और जाहिर है कि उनको आदत है कि शहीदों के सरहाने आए। मोहब्बत में जो मर जाए वो शहीद मरता है, और जो शहीद मरता है सैयद शोहदा आते हैं, शहीदों के सरहाने आते। हर शहीद ने पुकारा है, हर शहीद ने आवाज दी है, तारीख ने अजीब अजीब मनाजिल तय किए। फुर्सत हो तो उलमा को देखिए जो शहीद हो गए, फुर्सत हो उन उरफा को देखिए जिनको कत्ल कर दिया गया, फुर्सत हो तो किताबों में उन हालात को पढ़िए जहां बाद करबला शहादतें हुई। अजीब बात आप ये पाएंगे कि हर मरने वाले ने हुसैन को आवाज दी। अब वो मुस्लिम ने अकील हो जो कूफे के कस्र दारुल अमारा से आवाज दे, या मुस्लिम के बच्चे हो जो फुरात के किनारे खड़े होकर आवाज दे, या करबला के शहीद हो कि हबीब इब्न मुजाहिर पुकारे, मुस्लिम ने औसजा पुकारे, हुर आवाज दे। बहरहाल हर एक ने आवाज दी और हुसैन आए, मगर आवाजों में थोड़ा सा फर्क है, आवाजों में फर्क है। कुछ बुजुर्गों ने पुकारा है मौला मदद कीजिए, और ये सब अंसार थे, मगर शहीदों में खुसूसियत के साथ दो नाम ऐसे कि जिसने मदद के लिए आवाज नहीं दी, फकत सलाम किया, एक अली अकबर ने, दूसरे अब्बास। मदद के लिए आवाज नहीं दी, इसलिए इन दोनों को इल्म था, बेटा जान रहा था कि बूढ़ा बाप अब क्या करेगा, और अब्बास जान रहे थे कि जिसका घर उजड़ जाए उसको मदद के लिए नहीं बुलाया जाए। इसलिए
अली अकबर ने आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबता, और अब्बास ने आवाज दी, अस्सलाम अलैका यब्ना रसूलिल्लाह। अजीब बात है, हजरत अबुल फजल की आवाज पर जैसे ही ये आवाज आई, रावी कहता है हमीद इब्ने मुस्लिम कि खुदा की कसम मैंने देखा कि जैसे सारे खेमों के पर्दे उठे और ऐसा मालूम होता था कि बीबियां सब बाहर निकले। हुसैन ने रोका का खबरदार, कोई ना आए, कोई ना आए, बाहर कोई ना निकले। शहजादियां मुश्किल जरूर, मुश्किल जरूर, मगर हाय वो भतीजी के जिसकी सारी जान उसका चचा है, वो इस इंतजार में खड़ी रही कि बाबा आएंगे तो शायद चचा को साथ लाएंगे, मगर जब बाप आया तो या आलम आया या सकीना की मस्त। إلهي وسيدي ومولاي وربي، एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास। بسم الله الرحمن الرحيم، خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصوم عطا فرمائے، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تعجیل فرما۔ اسے سن سکے ایسی بھی میں نے دیکھا، جب باپ آیا خدا وند واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصومت،